अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो देख सकते हैं BS3 गाड़ी है 909, ये गाड़ी रनिंग में बंद हो चुका है, रोड पे गाड़ी है, जिसमें देखेंगे प्रॉपर प्रॉब्लम क्या है। चलते हैं, सबसे पहले चाबी ऑन करेंगे। देख सकते हैं चाबी तो मैंने ऑन कर लिया, और इसमें चेक लाइट जो आना चाहिए, देख सकते ये चेक लाइट ना ब्लिंक कर रहा है ना चेक लाइट आ रहा है, ठीक है। वापस बंद करेंगे, वापस ऑन करेंगे, और मीटर में भी देख सकते हैं लाइट नहीं दिखा रहा, जो मीटर में जो रीडिंग दिखाना चाहिए वो भी रीडिंग नहीं दिखा रहा है, ठीक है। और इसका जो टाइमर चलना चाहिए वो टाइमर का भी आवाज़ नहीं आ रहा, मैं सुनाने की कोशिश करूँगा तो नहीं चल रहा। तो एक बार सेल्फ भी मार के देख लेते, गाड़ी स्टार्ट हो रहा है क्या, मारते हैं सेल्फ। तो चाबी सिस्टम नहीं इसके अंदर, शायद अलग से बटन लगा हुआ है, यहाँ पे स्टार्टर बटन अलग से लगाया गया है, सिर्फ राउंड ले रहा है पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। एक बार और ट्राई करेंगे, चालू नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले फ्यूज बॉक्स के पास चलेंगे, फ्यूज बॉक्स के पास देखते क्या है यहाँ पे। तो जैसा कि देख सकते हैं इसका कुछ रिले भी निकाला गया है, और काफ़ी कोशिश किया गया है चालू करने के लिए, और वायरिंग के हालात देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका डिशबोर्ड खोलूँगा, फ्यूज बॉक्स, और खोलने के बाद फिर चेक करेंगे इसमें लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मैं पूछूँगा ड्राइवर से, कोई आया था क्या चेक करने के लिए, कोई आया था भाई चेक करने के लिए? एक इंजन वाला आया था, हाँ, मैकेनिकल, उन्होंने स्प्रे मंगाए, हाँ हाँ, फिर वायर मंगाए, अच्छा, डायरेक्ट किया था, हाँ हाँ, फिर बोलते है चालू नहीं होगा। गाड़ी कितना बजे से आपका बंद है? 4 दोपहर से। तो गाड़ी रनिंग में बंद हुआ था क्या, बंद किया था आपने? रनिंग में बंद हुआ, रनिंग में, हाँ। चलेगा। तो देख सकते हैं जैसे कि आज हम लोग का तो ईद का दिन था, फिर भी बेचारे काफ़ी परेशान थे, मतलब चलो अपना काम ही करके देना। चलिए फटाफट खोल के लेते हैं इसको, जैसा कि इसको खोल के ले लेते हैं, देखेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। और काफ़ी वायरिंग इसका जो है इतना छेड़ा हुआ है कि बोल नहीं सकते, ठीक है। ये हेडलाइट का सॉकेट हो गया, और ये जो है अपना, सब पहले देख लेंगे स्टार्टर रिले लगा हुआ है इसके अंदर। तो सबसे पहले अपन फ्यूज चेक करेंगे, और इसमें देखेंगे मेन लाइन ये वाले सॉकेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक अपन अर्थिंग ले लेते हैं यहाँ से, यहाँ से ले लेते हैं। सबसे पहले अपन चेक करेंगे कि अपने चेक लाइट को अर्थिंग सही से मिला या नहीं मिला। तो यहाँ जाके चेक कर लेते हैं, यहाँ मेन लाइन आ रहा है फर्स्ट क्लास। अभी इसके अंदर मुझे देखना है, तो देख सकते हैं इस पर अपना मेन लाइन आना चाहिए, ठीक है, ये वाइट वाले पे। तो ये मेन लाइन आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, ठीक है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ तो आ ही रहा है, ये चाबी लाइन आ रहा है, ठीक है। पतला वायर कौन सा कलर है, वाइट, दोनों वाइट ही है, इसमें आ रहा है। पर इसमें हमको आना चाहिए कभी, जब रिले लगाएंगे तब, रिले गाड़ी में निकाल के रखा हुआ है, तो ये वाला सॉकेट लगाएंगे। तो जैसा कि मैं इसको लगाया तो यहाँ पे लाइन नहीं आया, ठीक है, इधर तो आ रहा पर इस पर नहीं आ रहा, तो इस पर अपन दूसरा रिले लगा के देखेंगे। तो जैसा कि देख सकते ये रिले है अपने पास, हम लेके आए थे नया, तो ये वाला निकालते हैं, और ये रिले लगाने पे लाइट जलना चाहिए, तो देख सकते फिर भी नहीं जल रहा है, इसका मतलब इसको अर्थिंग नहीं मिल रहा कहीं से। अब इस पर तो मेन तो आ रहा है, ठीक है, पर इसे रिले को शायद अर्थिंग नहीं मिल पा रहा, इसके लिए रिले ऑन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइनल कर लेंगे इसमें अर्थिंग का वायर कौन सा है। तो ये मेन लाइन हो गया, ये अर्थिंग का वायर हो गया, ठीक है। तो ये वायर को अर्थिंग नहीं मिल रहा है, तो इसको अपन इधर एक ये रिले लगा लेते हैं,
और ये चॉकलेटी कलर का वायर है, ठीक है। तो इसको अर्थिंग जब मैं इससे दे रहा हूँ चेक लाइट से, तो अपना रिले ऑन हो रहा है। तो मैं एक अलग से अर्थिंग भी दे देता हूँ फिलहाल के लिए। तो जैसा कि मुझे अभी अर्थिंग तो कहीं से मिलने का चांस नहीं मिल रहा था, तो मैं एक कटआउट से अर्थिंग ले रहा हूँ। एक यहाँ ले लिया जो कटआउट को अर्थिंग जाता है, और ये वायर मैं यहाँ लगा रहा हूँ। तो देख सकते रिले टिक टिक कर रहा है, ठीक है। तब जैसे ये हमारा इस पे तो मेन लाइन पहले से ही आ रहा था, ये चेक लाइट लगा दिया, ये लगा रहा हूँ तो अपना रिले ऑन हो गया, ठीक है। अभी रिले तो ऑन हो गया, फिर भी हमारा टाइमर नहीं चल रहा है, तो वो भी देखेंगे और चेक कर लेंगे अपना ये पुराना वाला रिले सही है या ख़राब, ठीक है। तो ये रिले अपना ओके है, जूना वाला ही सही है, इसको नहीं लगाएंगे। अब अपने को देखना यहाँ पे फ्यूज का क्या पोजीशन है। सबसे पहले फ्यूज उड़ा तो नहीं है, ये भी सही है, फ्यूज इसलिए अंदर से मैं चेक कर रहा हूँ। क्या होता है कभी कभी कार्बन पकड़ लेता है तो यहाँ का पॉइंट जो है ना नहीं दे पाता है, तो जंग पकड़ा हुआ है, इसके लिए अंदर से चेक कर रहा हूँ कुछ। और एक ये अपना टाइमर चलने का फ्यूज आता है यहाँ पे, इधर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ दिखा रहा है, यहाँ नहीं दिखा रहा, मुझे कुछ तकलीफ दिख रहा है। तो जैसा कि देख सकते हैं मैं केबिन पलटी करके ले लिया हूँ, और अभी चेक करेंगे ये हमारा 7 नंबर कपलर के ऊपर करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसा कि इस पे देखेंगे 7 नंबर काफ़ी अंधेरे में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखिए 7 नंबर है, इसमें अपना करंट आ रहा है, ठीक है। अब इसमें हमें चेक करना है बाकी का वोल्टेज, क्योंकि बाकी का वोल्टेज जो है अपने चेक लाइट पे नहीं दिखाता है, ठीक है। तो ये तो परफेक्ट दिखा रहा है 7 नंबर में, स्विच के थ्रू आता है। तो इसको हम 20 पे सेट कर लेते हैं, और इसका फिर एक बॉडी अर्थिंग लेंगे, यहाँ पकड़ना बॉडी अर्थिंग। अब यहाँ पे हमको चेक करना है 7 नंबर में हमारा जो बैटरी के अंदर वोल्टेज रहेगा वो वोल्टेज मीटर पर दिखाना चाहिए। थोड़ा लाइट और करीब लेना, ये बारीक अक्षर है, बहुत कम दिख रहे हैं। तो देख सकते हैं वोल्टेज सब पे बराबर दिखा रहा है, सही परफेक्ट है। और ये 7 नंबर कपलर है, 7 नंबर वायर है, इस पे जो बैटरी चार्ज है अपना, ठीक है, 1247 दिखा रहा है। बाकी का ये लाइन क्लियर है, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर ही है, ये भी क्लियर, फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको पहले लगा के लेते हैं। इसको लगा लिया, अब हमें चेक करना है इसका टाइमर, अंदर दिखाना, ये इसको टाइमर बोलते हैं। इसका सॉकेट निकाल के लेते हैं, ये अंदर में देख सकते हैं वायरिंग वजह से और दिखाने में प्रॉब्लम हो रहा था। इस पर चेक करेंगे अपना मेन लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अपना मेन लाइन नहीं आ रहा है, ठीक है, ऐसा है। तो मेन लाइन क्यों नहीं आ रहा है वो भी देखेंगे, कहीं मुझे सॉकेट पे डाउट लग रहा है। और यहाँ देख सकते हैं 7 पे आ रहा है करंट, ये देख सकते हैं यहाँ आ रहा है, पर इस पे नहीं आ रहा है। इस पे
दो करंट होता है, एक ग्राउंड और दूसरा फ्यूज के थ्रू 12 वोल्टेज, पर इस पर नहीं आ रहा है। इसको अपन चेक करेंगे क्यों नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले इसको लगा के लेते हैं क्योंकि काफ़ी मट्टी है, अंदर ना चला जाए। और इसको भी लगा के ले लेंगे टाइमर के वायर को। और देखेंगे यहाँ पे वायरिंग जो इस तरफ से गया है अपना क्या पोजीशन है, कहीं कटा उटा तो नहीं है। इस तरफ तो उस तरफ से आगे देखना पड़ेगा अपने को। वो बाजू चलते हैं। और रात भी हो गई है, समझिए 9 बज रहा है। गाड़ी तो देख सकते हैं मेरी ये खड़ी है, और गाड़ी में माल भी है शायद, तो वो हिसाब से देखना पड़ता है। सबकी मजबूरी समझना है अपने को। ये सॉकेट है अपना मेन वाला पंप पूरे इंजन का। फ्यूज बॉक्स भी यहाँ परफेक्ट है सब। फ्यूज काफी गंदे लगे हुए हैं। ये फ्यूज में काफी जंग है। और ये टाइमर के लिए फ्यूज आता है, ठीक है, इसमें काफ़ी जंग है। सही से दिखाना थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा साफ करके लेंगे और फिर इसमें नया फ्यूज डाल के लेंगे, ठीक है। एक फ्यूज नया डाल लेते हैं, ये 10 एम्पियर का, ये सिर्फ जंग पकड़ा था। अब देखते हैं लाइन आ रहा है कि नहीं। अभी तो आ रहा था, चेक लाइट बराबर है ना, तो देख सकते हैं। अभी टाइमर अपना चालू हो चुका है, और जैसे ये फ्यूज निकालेंगे तो अपना टाइमर बंद हो गया, ठीक है। अभी वापस इसको लगाते हैं यहाँ पे। तो अभी चलते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, देखते हैं अपनी गाड़ी स्टार्ट होती है क्या। इसलिए मैं थोड़ा सा, मेरा वीडियो ज़रूर लंबा हो रहा होगा, पर आपको कुछ बताने की कोशिश है कि अगर जानकारी अगर हमारे अंदर हो, जैसे आपके अंदर हो, तो काम करना कोई मुश्किल नहीं है। आप कहीं भी बेधड़क कर सकते हैं, ठीक है। और रात का समय है, और आज तो ईद का दिन भी है। जो भी भाई लोग वीडियो देख रहे हैं उनको ईद मुबारक हमारी तरफ से। चलिए करते हैं गाड़ी को स्टार्ट, वापस करेंगे रेस। अभी हमारी गाड़ी रेस की बस क्लास हो रही है, कोई तकलीफ नहीं है, और वो लाइन हम क्लियर करके ले लेंगे। आपको बताने के लिए मैंने पहले फाइनल बोले स्टार्ट करके दिखा दूँ उस पोजीशन पे। वापस गाड़ी को एक बार और स्टार्ट करेंगे। स्टार्टर का भी बैंडेज स्लिप मार रहा है शायद। और देख सकते अपनी गाड़ी रेस है, और मैं कुछ मीटर में भी दिखाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ेगा मुझे बताने के लिए। बस ऑन करेंगे तो देख सकते हैं चेक लाइट भी आके चला गया, और ये रेडिंग मीटर जो आ रहा है ये भी आ रहा है। पहले नहीं आ रहा था जब मैं गाड़ी के पास आया था, तो सिर्फ ये अपना ऑयल बत्ती और अल्टरनेटर लाइट और लो प्रेशर का जो सॉरी ये अपना केबिन पल्टी का लाइट दिखा रहा था, और ये रेडिंग नहीं दिखा रहा था मीटर के अंदर। तो कभी भी अगर ऐसा प्रॉब्लम हो तो हमको समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा एसएम रिले ऑन नहीं हुआ है, इसके वजह से हमारा चेक लाइट नहीं आता है, ठीक है। चलिए गाड़ी को करते स्टार्ट। तो अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं वो भी ज़रूर बताइएगा,
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।